नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एक्सपीसी छत्तीसगढ़ में। और आज हम आपको बताने वाले हैं छत्तीसगढ़ में जनवरी महीने में जो भी छत्तीसगढ़ के रेलवे के बारे में जो न्यूज़ आई है। और अगले महीने रेलवे का बजट आने वाला है, तो उसमें कुछ संभावना है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो बेसिकली हम आपको ये बताने वाले हैं कि क्या क्या छत्तीसगढ़ में न्यूज़ आई है और किस किस क्षेत्र में आपको प्रोग्रेस मिली है आगे बढ़ने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला चीज़ है कि छत्तीसगढ़ से उत्तर प्रदेश के लिए तीन रेलवे अप्रूव हो गई हैं, तीन लिंकिंग चालू हो गई है, तीन रेलवे लाइन। तो पहला रेलवे लाइन कौन सा है? छत्तीसगढ़ से कानपुर, कानपुर होते हुए गोरखपुर उत्तर प्रदेश। तो ये एक तो लाइन जाएगी कानपुर, दूसरी जाएगी गोरखपुर उत्तर प्रदेश की ओर। देखिए, इसमें एक पहला लाइन जो है ये है, ये अब दुर्ग जंक्शन से शुरू करेंगे, यहाँ से बिलासपुर जाएगा, बिलासपुर से आगे होते हुए ये कटनी जाएगा, कटनी से आगे होते हुए ये यहाँ पे जाएगा मानिकपुर जंक्शन, मानिकपुर जंक्शन से आगे बढ़ते हुए। देखिए, यहाँ से हम छत्तीसगढ़ से बाहर निकल चुके हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ बता देता हूँ आपको, मेजर जंक्शन है छत्तीसगढ़ में दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, उसके बाद फिर पेंड्रा रोड के बाद में ये कटनी चला जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे मानिकपुर, कटनी मध्य प्रदेश में आ गया, वहाँ से फिर अगर हम आगे जाएंगे तो मानिकपुर जंक्शन के पास चला जाएगा। उसके बाद में फिर बांदा होते हुए, ये सारा चीज है उत्तर प्रदेश में, बांदा होते हुए फिर ये कानपुर जाएगा। ये एक रेल लाइन जो है ये चालू हो गई, रेल लाइन तो थी, मतलब नई ट्रेन चालू हो गई, सीधे सीधे आपको कानपुर के लिए एक नया रास्ता मिल जाएगा। दूसरा है हमारे पास, दूसरा एक ट्रेन जो स्टार्ट हुआ है वो ये है, इसका नंबर भी बता देता हूँ, 8203। अगर आपको बुक करना है, आपके फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं उनको बताना है तो आप बता सकते हो। दूसरा रेल लाइन है 8201 जो है दुर्ग से लेकर 8201 जो है दुर्ग से ये भी वाराणसी की तरफ जाएगी। तो ये रेल लाइन ये वाली है कि यहाँ भी ऐसे ही दुर्ग से हम निकलेंगे, रायपुर बिलासपुर पेंड्रा रूट कटनी, यहाँ तक सेम रूट है। फिर यहाँ पे जो मानिकपुर जंक्शन है, मानिकपुर जंक्शन से उस तरफ न जाके, पश्चिम की तरफ न जाके पूर्व की तरफ चले जाएगा, वहां से प्रयागराज जंक्शन की तरफ चले जाएगा। प्रयागराज मतलब वाराणसी, प्रयागराज मतलब इलाहाबाद तो पुराने समय पर उसका नाम था। उसके बाद मिर्जापुर होते हुए फिर ये वाराणसी चले जाएगा। वाराणसी मेन रूट है इसका। उसके आगे भी ये ट्रेन जाती है, इसके आगे भी ये ट्रेन मऊ के बाद में अगर आप देखोगे गोरखपुर, तो अगर कुछ सीधे गोरखपुर जाना है तो आप से गोरखपुर जा सकते हो। इवन आप एक तरह से देखा जाए ये नेपाल जाने के लिए जो रास्ता है वहाँ पे भी आप जा सकते हो। देखिए, यहाँ पे गोरखपुर के बाद में नौतनवा एक्चुअली बॉर्डर पे है। नौतनवा आप देखोगे, ये स्टेशन है नौतनवा, ये नेपाल बॉर्डर पे आता है, तो आप नेपाल बॉर्डर तक सीधे जा सकते हो इस ट्रेन के द्वारा। तो गोरखपुर होते हुए अगर आपको जाना है वाराणसी, गोरखपुर या नौतनवा, या आपको नेपाल घूमने जाना है, तो आप ये ट्रेन लेके सीधे सीधे दुर्ग से जा सकते हो। तो ये जो इन ट्रेनों के बारे में इंफॉर्मेशन थी, थर्ड ट्रेन के बारे में इसने बताया नहीं है। बेसिकली नौतनवा आपको जाना है या गोरखपुर जाना है, तो ये दो तरीके की ट्रेन उन्होंने दी हुई है। ठीक है, तो ये एक अपडेट था जो रिसेंटली स्टार्ट हुआ है छत्तीसगढ़ में। उसके अलावा आपको दूसरी जो न्यूज़ है वो ये है कि महानदी जो रिवर है, जो नदी है, उस पर एक ब्रिज बन के तैयार हो गया, रेलवे का ब्रिज बन के तैयार हो गया है जो बहुत समय से पेंडिंग था। तो इसमें एक और है, राखी के साथ पत्र भेजकर सरोज पांडे सरकार ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चुनावी वादे वगैरह ये सब किया था। तो ये जो भी है, ये तो इनका पॉलिटिक्स चलता रहता है, लेकिन
इसमें यही था कि आपको ये रेलवे लाइन आगे बढ़ाने के लिए रायपुर से टिटलागढ़ जो रेलवे लाइन है वोल्टेयर रूट पे, तो इस पे डबल लाइन रहेगी तो फास्ट ज़्यादा रेल चलेंगी। तो इसके लिए काफ़ी समय से पेंडिंग था और इसका 758.9 करोड़ की लागत से ये कार्य 2012 में शुरू हुआ था। तो सोचिए 8 साल लग चुके हैं, 9 साल समझ लीजिए। तो अभी भी मतलब यहाँ से बेलसोंडा से टिटलागढ़ का काम पूरा हो चुका है, लेकिन बेलसोंडा से रायपुर तक का काम शेष है। तो बेलसोंडा से रायपुर के बीच में क्या बचा था, सबसे मेजर काम जो था वो था महानदी पे पुल बनाना। तो आपको बता देता हूँ मैप के थ्रू। तो ये रहा टिटलागढ़ और दूसरा ये रहा रायपुर, सॉरी ये रहा रायपुर। और इसके बीच में आता है महानदी, महासमुंद के पास, महासमुंद और आरंग के बीच में महानदी है। तो महानदी के पास में जो है ये बेलसोंडा है। बेलसोंडा एक तरह से मेजर स्टेशन है क्योंकि यहाँ पे हाईवे भी होती है। यहाँ से एक हाईवे इस तरफ जाता है जो बसना की तरफ जाता है और दूसरा एक है महासमुंद की तरफ जाता है। तो इस हाईवे के पास में जो है रेलवे का पुल बन रहा था, तो ये रेलवे का पुल बनने के लिए बहुत समय लग रहा था। तो बेलसोंडा तक का काम हो चुका है। बेलसोंडा से रायपुर, मतलब बेलसोंडा से रायपुर बहुत छोटा स्ट्रेच बचा है, लेकिन इसमें मेजर हर्डल था ये महानदी पे पुल बनाना, तो वो पूरा हो चुका है। तो शायद इसके बाद में इस काम में बहुत तेजी आएगी। और तो ये एक न्यूज था जिससे शायद वहां के लोगों को थोड़ी राहत मिले। अगला मेजर न्यूज ये है कि इटकॉन इंटरनेशनल जो इरकॉन जो है वो छत्तीसगढ़ में मैक्सिमम रेलवे प्रोजेक्ट्स पे काम करती है, वो टेंडर जारी करती है और उस पे काम करती है। तो उनको एक काम मिला हुआ है गेवरा रोड और पेंड्रा रोड के बीच का काम। तो उसमें कुछ काम चल रहा था जिसके लिए उन्होंने टेंडर को कैंसिल कर दिया है। तो एक अच्छी न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी न्यूज़ भी नहीं है। मतलब कुछ काम है तो वो फिर से नया टेंडर, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो स्पीड है वो स्लो हो जाता है। तो इसमें क्या था कि स्टेशन का बिल्डिंग बनाना है और सर्विस बिल्डिंग, स्टाफ के क्वार्टर बनाने हैं, प्लेटफॉर्म बनाना है। तो ये सारी चीज़ें जो थी काम, उसका टेंडर अभी उन्होंने कैंसिल कर दिया है। जिस भी प्रोजेक्ट के लिए जिस भी कॉन्ट्रैक्टर को दिया होगा, किसी ने कुछ गलत काम किया होगा। तो केवरा रोड से लेके सिंदूरगढ़ ये 67 किलोमीटर तक का लाइन, ठीक है, ये मैं दिखाता हूँ आपको। तो केवरा रोड पेंडर रोड मैंने आपको एक अलग वीडियो में बनाया है, वो आप ऊपर लिंक है उस पर आके देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पहुंचता हूँ गेवरा रोड, सॉरी पेंड्रा रोड जाता हूँ, पेंड्रा रोड से सिंदूरगढ़। तो ये है हमारा पेंड्रा रोड जो स्टेशन, जो एग्जिस्टिंग स्टेशन है, यहाँ से ये लाइन जाएगी। यहाँ से अगर आपको सिंदूरगढ़ देखना है, सिंदूरगढ़, तो ये रहा सिंदूरगढ़। तो सिंदूरगढ़ और इसके बीच में ये देखिए, ये यहाँ से लेके 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और 7, तो 7 स्टेशन पे प्लेटफॉर्म बनाना, 7 स्टेशन पे दोहरीकरण करना, तो ये सारे काम में ढिलाई बरती गई है। तो शायद ये काम थोड़ा स्लो हो जाएगा। जो पेंड्रा रोड के रोड वाले रेल लाइन के लिए वेट कर रहे थे फ्रेंड्स, उन लोग के लिए शायद थोड़ा स्लो हो गया प्रोसेस, लेकिन रुका नहीं है, मतलब काम चल रहा है। तो एक अच्छी न्यूज ये भी है कि काम चल रहा है। दूसरा है उर्गा से कुसमुंडा, उर्गा से कुसमुंडा एक बहुत छोटा सा स्ट्रेच है जहाँ पे एक सिंगल लाइन था बनाना था। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसको, उर्गा स्टेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और ये है कुसमुंडा, कुसमुंडा मतलब केवरा रोड के पास। तो यहाँ पे ये जो लाइन में इसकी बात कर रहा था, ये 11 किलोमीटर की एक लाइन है, यहाँ 16 किलोमीटर लिखा है लेकिन शायद 11 किलोमीटर भी हो गया है। तो इस लाइन का भी काम में रुकावट आ गई है। तो अभी देखोगे कुसमुंडा सिंगल लाइन कनेक्शन विद कंस्ट्रक्शन न्यू ब्रॉड गेज डबल रेलवे लाइन। तो ये बोल रहा है केवरा रोड से हाँ, तो ये जो काम थे इस सब काम में थोड़ी सी रुकावट आ गई है, तो ये एक चीज था। उसके अलावा एक और है जो पेंड्रा रोड से गेवरा रोड के बीच में 135 किलोमीटर की जो लाइन है, जो दीपका कटघोरा सिंदूरगढ़ पसान, ये स्टेशन ड्यू टू कोटेड रेट इज हाई, तो
लोग ज्यादा पैसा मांग रहे हैं, इसके लिए ये जो कॉन्ट्रेक्टर्स हैं ज्यादा पैसा मांग रहे हैं, इसलिए वो बिड को उन्होंने कैंसिल कर दिया है। तो शायद फिर से नया टेंडर करेंगे और फिर से चालू होगा। तो इस प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट था वो 713 करोड़ रुपए का था और उसमें से कंपनीज बिड प्राइस वॉज 784 करोड़ रुपए, तो उनका कॉस्ट बढ़ गया। तो ये कुछ गवर्नमेंट प्रोसीजर होता है जिसकी वजह से वो फिर से रीबिड में जाता है, फिर से नया कॉन्ट्रैक्टर आएगा, फिर से नया एंट्री करेंगे। तो मे बी इसकी वजह से थोड़ी सी रुकावट आएगी। तो अगला एक न्यूज़ है वो है, वो पॉजिटिव न्यूज़ है, कोचरीपार और धर्मजयगढ़ के बीच में जो सेक्शन था, ये था कौन सा, खरसिया, खरसिया से लेके धर्मजयगढ़ तक की जो रेल लाइन बनी है ये ऑरेंज कलर की, जो संतरे कलर की लाइन बन रही है, तो कोचरी ये खरसिया हो गया। खरसिया से अगला आ गया, ये अगला स्टेशन आ गया खुर्दा, उसके बाद में फिर छल, छल के बाद में गरगोड़ा, गरगोड़ा के बाद में कोचरीपार। तो यहाँ तक की रेल लाइन बन चुकी है। तो अगर आप देखोगे तो खरसिया से कोचरीपार यहाँ तक की रेल लाइन बन गई है और अब जाके अगला जो लाइन है वो भी पूरी तरह कंप्लीट हो गया। मतलब पहले भी बन चुका था लेकिन कुछ काम उसमें बचा था यहाँ तक धर्मजयगढ़ तक। तो धर्मजयगढ़ और यहाँ पे आएगा कुदुमकेला, कुदुमकेला और धर्मजयगढ़ को कोचरीपार से कनेक्ट करना था। ये रेल लाइन जो है ये लगभग अब बन के तैयार हो चुकी है और इसका इसके बारे में अच्छी न्यूज़ ये है कि 30 किलोमीटर का सेक्शन जो था ये तैयार हो गया है। 31 दिसंबर को ये कंप्लीट करना था और 31 दिसंबर को ही इनको ट्रायल इन्होंने ले लिया है, मतलब एक ट्रायल रेल चला के देख लिए। तो कुल मिला के ये काम पूरा हो गया है। तो इसका कॉस्ट था 325 करोड़ रुपए। तो भाई आप सबको बता देता हूँ कि रेलवे लाइन ऐसी नहीं बनती है, इसमें बहुत पैसे लगते हैं और ये सब पैसे आप ही लोग की जेब से जाते हैं क्योंकि सरकार आपसे टैक्स लेती है और जो आप GST देते हो, आप जो भी टैक्स देते हो वही पैसा इसमें लगता है। तो इसलिए ये स्लो होता है क्योंकि इतना इनकम होता नहीं है। और क्योंकि देखो आप हर हर प्रोजेक्ट में आपको देख रहा होगा कि तीन नंबर के करोड़ में बात होती है, छोटी मोटी बात होती नहीं, तो इसलिए ये काम स्लो होता है। तो आप लोग सब लोग वेट करते रहते हो कि हाँ बनेगा बनेगा कब बनेगा, लेकिन ऑब्वियसली इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो खरसिया से कोचरीपार के बीच का जो 44 किलोमीटर का लाइन था इन्होंने अक्टूबर 2019 में पूरा कर लिया, तो बहुत तेज किया था इसको। लेकिन सोचो उसके बाद में ये फिर से एक साल और लग गया। तो एक तरह से ठीक है कि 30-30 किलोमीटर 20-20 किलोमीटर आगे बढ़ते जा रहे हैं। नाउ अब 74 किलोमीटर जो है खरसिया से धर्मजयगढ़ के बीच में ये पूरी तरह फंक्शनल है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि ये रेल लाइन शायद पब्लिक के लिए ओपन हो जाएगा और इसमें शायद पैसेंजर ट्रेन आने वाले समय में चालू हो जाएगी। तो धर्मजयगढ़ वाले, कोचरीपार वाले, गरगोड़ा वाले, खरसिया वाले सभी के लिए बहुत खुशी की बात है, यहाँ तक कि रायगढ़ वाले, तो आप लोग के लिए बहुत खुशी की बात है और इस चीज को एंजॉय कीजिए। तो ये था आज का न्यूज जो छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में जो जो तरक्की हो रही है रेलवे के माध्यम से। तो इस तरीके के रेलवे के माध्यम से और तरक्की को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं हर महीने ऐसी न्यूज देता रहूंगा। ये महीने अभी मैं मासिक कर रहा हूँ कि हमारे पास इतनी न्यूज नहीं होती छत्तीसगढ़ में, फिर भी काफी डेवलपमेंट है। तो हर महीने रेलवे बजट आने के बाद में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा और एक नया ये सेक्शन है मासिक न्यूज, छत्तीसगढ़ का मासिक न्यूज आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।